सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, फाइनली हमारे पास आ चुका है रियलमी का रियलमी नार्जो 60 5G, जो कि वन ऑफ द बेस्ट 5G डिवाइस है, जो कि अंडर 20,000 की कैटेगरी में मिल जाता है। एंड अंडर 20,000 की कैटेगरी में काफी जबरदस्त स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं। एंड इस डिवाइस में आउट ऑफ द बॉक्स रियलमी UI 4.0 एंड्रॉइड 13 का अपडेट मिल जाता है, जिसके वजह से गेम स्पेस में काफी सारे लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं। सो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि रियलमी नार्जो 60 डिवाइस में क्या कुछ गेमिंग फीचर्स मिल जाते हैं, क्या कुछ आपको गेमिंग ग्राफिक्स मिल जाते हैं, कैसा गेम प्ले मिल जाता है, कितना लैग होता है, जायरोस्कोप कैसा है, एंड सबसे मेन चीज कितना डिवाइस हीट हो जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे गेम प्ले करने पर कितना बैटरी ड्रेन हो जाता है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रियलमी का रियलमी नार्जो 60 डिवाइस परचेस करना है, तो अभी यहाँ पे अमेजोन पे सेल चालू हो चुका है, 2,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो जल्दी से जाइए बाय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, गेमिंग टेस्ट करने से पहले इस डिवाइस के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे तो 6.43 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले, जो की 90Hz का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है 1000 nits की पीक ब्राइटनेस वैल्यू के साथ। एंड इसके अलावा गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाती है। एंड इस फोन के पावर के बारे में बात करेंगे तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 का 5G प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 7nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। एंड अंततः बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करेंगे तो 378,000 से भी ज्यादा स्कोर इसका निकल के आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, गेम स्पेस को ओपन करेंगे। एंड गेम स्पेस को ओपन करने के बाद यहाँ पे चेकआउट करके देख सकते हैं, रियलमी वे 4.0 का लेटेस्ट अपडेट के साथ यहाँ पे गेम स्पेस मिल जाता है। अगर आपको नया गेम अगर ऐड करना है तो यहाँ पे नया गेम को भी ऐड कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ 3-4 गेम्स को ऐड करके रखा है। वैसे दोस्तों, नए गेम स्पेस में कुछ नए फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, 4D गेम वाइब्रेशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो चलिए दोस्तों, BGMI गेम को स्टार्ट करते हैं। एंड BGMI गेम को स्टार्ट करने के बाद गेमिंग साइड बार में देख सकते हैं क्या कुछ नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो गेमिंग साइड बार में देख सकते हैं मल्टीपल एप्लीकेशंस को अगर आपको फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करना है, सो मल्टीपल एप्लीकेशंस को फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करने का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको यहाँ पे 3 मोड देखने को मिल जाते हैं, लो पावर मोड, परफॉर्मेंस मोड एंड बैलेंस मोड। सो अगर आपको बैटरी सेविंग करके गेम प्ले करना है तो आपके लिए परफॉर्मेंस मोड का भी फीचर मिल जाता है, लो पावर मोड का भी फीचर मिल जाता है। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर चाहिए तो आपके लिए प्रो मोड का भी फीचर मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, बात करेंगे नीचे के साइड में, हमको यहाँ पे गेम फोकस मोड का फीचर मिल जाता है। सो गेम फोकस मोड को ऑन करेंगे, सो ऑन करने के बाद जो भी कॉल्स है, नोटिफिकेशन, उसके बाद जो मैसेज है, वो टोटली स्टॉप हो जाएंगे एंड सिर्फ आप गेमिंग पर ही फोकस कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, बात करेंगे कॉल ब्लॉक करना है, सो स्पेशल आपको कॉल ब्लॉक का भी फीचर मिल जाता है। स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी फीचर आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों, इस डिवाइस में गेमिंग करने के लिए यार काफी जबरदस्त फीचर मिल जाता है, जो कि नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन का फीचर मिल जाता है। सो नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास देख सकते हैं 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, मोबाइल डेटा नेटवर्क प्लस अगर आपके पास वाईफाई है तो दोनों का भी कनेक्शन यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। एंड दोनों का भी जो कनेक्शन का स्पीड है वो कंबाइन करके आपको बेटर यहाँ पे गेम प्ले में नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। सो बेटर इंटरनेट स्पीड के लिए काफी जबरदस्त फीचर आपको मिल जाता है। इसके बाद आपको टच ऑप्टिमाइजेशन का भी फीचर मिल जाता है। सो टच ऑप्टिमाइजेशन में देख सकते आपको सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना तो भी आपको फीचर मिल जाता है। मिस टच प्रिवेंशन मतलब कि गेस्चर्स वगैरह ऑफ करके रखना है, सो भी फीचर आपको मिल जाता है। सो गेम खेलते वक्त अगर आपसे कोई भी गेस्चर्स वगैरह ऑन हो जाता है सो ऐसे मिस टच एक्टिविटी को ऑफ करके भी रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ओरिएंटेशन लॉक का भी फीचर मिल जाता है, क्विक स्टार्टअप का भी फीचर मिल जाता है, सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट फीचर जो कि है वॉइस चेंजर। सो नॉर्मली काफी सारे रियलमी की डिवाइसेस में सिर्फ 5 ऐप है वॉइस चेंजर के फीचर मिल जाते हैं, लेकिन इस रियलमी नार्जो 60 डिवाइस में देख सकते हैं टोटली आपको 12 डिफरेंट टाइप के साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि 12 टाइप के वॉइस चेंजर का फीचर मिल जाता है। फर्स्ट टाइम मुझे इस डिवाइस में ये फीचर देखने को मिला है। एंड इसके बाद दोस्तों, सिस्टम स्टेटस का भी फीचर मिल जाता है, मतलब कि गेम खेलते वक्त कितना FPS ड्रॉप होता है, कितना CPU है, कितना GPU है। सो अगर आपको लाइव यहाँ पर मीटर वगैरह इनेबल करना है तो आपके लिए यहाँ पे स्टेटस का भी फीचर मिल जाता है। एंड बाकी जो बेसिक टाइप की सेटिंग्स है, वॉल्यूम टाइप की सेटिंग्स है, वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करेंगे इस डिवाइस में आपको कौन कौन से ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है, वो भी चेकआउट करके देखेंगे। सो ग्राफिक्स में आने के बाद स्मूथ एंड बैलेंस में देख सकते हैं अल्ट्रा का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि कॉन्स्टेंट हमको यहाँ पे 40 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। एंड मैक्सिमम ग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे तो HD हाई ग्राफिक्स का सपोर्ट मिल जाता है। सो गेमिंग टेस्ट करने के लिए हम ग्राफिक्स को सेट करेंगे स्मूथ प्लस अल्ट्रा। एंड यहाँ पे जो टाइमिंग है बैटरी, वो भी नोट डाउन करेंगे। सो यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं 11:51 का टाइमिंग हो चुका है। एंड यहाँ पे जो स्टार्टिंग का बैटरी है 84% यहाँ पे बैटरी हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, जो टेम्परेचर, वो भी नोट डाउन करके रखेंगे। तो
स्टार्टिंग जो टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो चुका है। सो चलिए दोस्त, हम यहाँ पे लगभग एक घंटे तक गेम प्ले करने वाले एंड एक घंटे के बाद देख सकते हैं कैसे आपको गेम प्ले मिल जाता है, कितना बैटरी ड्रेन हो जाता है एंड डिवाइस कितना हीट हो जाता है, सब कुछ आपको एक घंटे के बाद बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड को ऑन किया है। एंड परफॉर्मेंस मोड में दे सकते हैं लाइव एफपीएस मीटर में दे सकते हैं 3940 एफपीएस का आपको कांस्टेंट यहाँ पे गेम प्ले मिल जाता है। एंड शुरुआती में दे सकते हैं ज़्यादा कुछ खास बड़े एफपीएस ड्रॉप वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है एंड जो लैगिंग वगैरह वो भी यार शुरुआती में देखने को नहीं मिला। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस मोड को ऑन करेंगे एंड देखेंगे परफॉर्मेंस मोड में कैसे आपको गेम प्ले मिल जाता है, फ्रेम ड्रॉप सबको देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, लैग वगैरह देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। सो यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड में देखेंगे कैसा गेम प्ले मिल जाता है। वैसे परफॉर्मेंस मोड को ऑन करने के बाद भी दे सकते हैं 3940 एफपीएस आपको मिल जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में दे सकते 37 तक आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल जाता है। सो वैसे देखा जाए तो परफॉर्मेंस मोड को ऑन करने के बाद आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाता है, फ्रेम ड्रॉप्स आपको वही 38-39 आपको कॉन्स्टेंटली देखने को मिल जाएगा। लैगिंग के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा एक डेढ़ घंटे के बाद अगर आप ज़्यादा गेमिंग करेंगे तो हल्के फुल्के लैगिंग तो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वैसे भी जो डिवाइस है टोटली गेमिंग टारगेटेड डिवाइस नहीं है। सो अगर आपको गेमिंग टारगेटेड डिवाइस परचेस करना है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर का फ़ोन लेना पड़ेगा। चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करने के साथ साथ गेम प्ले करेंगे, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ गेम प्ले में कैसा आपको दिक्कत देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। सो यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन किया है एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद भी आप चेकआउट करके दे सकते हैं स्टेटस बार में एफपीएस मीटर में दे सकते हैं 3940 एफपीएस का आपको कांस्टेंट यहाँ पे गेम प्ले मिल जाता है। एंड लैगिंग के बारे में बात करेंगे तो हल्के फुल्के आपको लैगिंग इसमें जरूर देखने को मिल जाता है, क्योंकि यार यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू किया है, ऊपर से हम यहाँ पे जो ग्राफिक्स वो भी हायर सेट किया है, सो हल्के फुल्के यहाँ पे लैग वगैरह तो देखने को मिल जाते हैं। सो वैसे ज़्यादा कुछ खास बड़ी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। सो अगर आपको स्क्रीन को रिकॉर्डिंग करके गेम प्ले करना है तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ भी गेम प्ले कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद एरेंगल मैच में बूट कैम में कितना एफएस ड्रॉप हो जाता है वो भी चेकआउट करके देख सकते हैं। सो लाइव एफएस मीटर में चेकआउट करके देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स मुझे 37-38 का एफएस मीटर देखने को मिल जाता है एंड मैक्स टू मैक्स यहाँ पे मुझे 35 का फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला था। सो वैसे देखा जाए तो रियलमी की तरफ से काफी बेटर ऑप्टिमाइजेशन आपको इस ड्रेस में देखने को मिल जाती है। बाकी यार काफी सारे लोग बार बार मुझे क्वेश्चन करेंगे कि यार इसका जायरोस्कोप कैसा है। वैसे दोस्तों जायरोस्कोप मुझे ठीक ठाक देखने को मिला है, सो मैं इसको जायरोस्कोप को एवरेज जायरोस्कोप कह सकता हूँ, इतना भी ज्यादा एक्टिव मतलब की क्विक रिस्पॉन्सिव जायरोस्कोप नहीं कह सकता, मतलब कि यहाँ पे एवरेज टाइप का जायरोस्कोप कह सकता हो। सो अगर आप एक जायरो प्लेयर तो आपको यहाँ पे बेसिक टाइप का मतलब कि एवरेज टाइप का जायरोस्कोप देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स रियलमी नार्जो 65G जो कि अंडर 20,000 के कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर डिवाइस है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको परफॉर्मेंस भी बेटर मिल जाता है, कैमरा डिस्प्ले उसके बाद बैटरी है, चार्जिंग स्पीड है, हर एक चीज आपको बेटर मिल जाती है। लेकिन अगर आप एक स्पेशल प्रो लेवल के गेमर से तो अगर आपको बेटर गेम प्ले के लिए फोन चाहिए सो रियलमी नार्जो 60 प्रो डिवाइस को भी परचेस कर सकते हैं। सो अगर आप कैजुअल मतलब कि बेसिक टाइप की गेमर से तो आपके डिवाइस काफी परफेक्ट चॉइस रहने वाला है। सो चलिए दोस्तों एक घंटे से भी ज्यादा टाइमिंग यहाँ पे हो चुका है, सो गेम को क्लोज करेंगे। सो टाइमिंग को चेकआउट करके देख सकते हैं 12:51 का टाइमिंग हो चुका है एंड इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे टेम्परेचर कितना हो चुका है। सो एक घंटे में देख सकते हैं डिवाइस कितना ज्यादा यहाँ पे हीट हो चुका है। सो बैक का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे 38 हो चुका है एंड जो फ्रंट का टेम्परेचर है वो यहाँ पर डायरेक्टली 40 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, तो समर के सीजन में और भी ज्यादा हीट हो सकता है, 41-42 के आसपास इसका टेम्परेचर जा सकता है। बैटरी के बारे में बात करेंगे तो जो स्टार्टिंग का बैटरी बैकअप था वो यहाँ पे 84% था, एक घंटे के बाद देख सकते हैं 71% हो चुका है, मतलब भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक घंटे में टोटली 13% का बैटरी यहाँ पे ड्रेन हो चुका है। सो ज्यादा कुछ खास बड़ा यहाँ पर बैटरी ड्रेन नहीं कह सकता, क्योंकि दोस्तों वैसे भी 12-13% का बैटरी ड्रेन एक घंटे में वैसे भी हो जाता है। तो दोस्तों इस टाइप का आपको ये डिवाइस मिल जाता है गेमिंग फीचर्स के लिए एंड गेमिंग के लिए। इस डिवाइस के बारे में आपकी क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं एंड आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ चुका होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।